रहा जलने के कगार पे है पूरा, हाँ जितना ऑलमोस्ट हो गया। जितना जलेगा ना उतना सही बनेगा, क्योंकि हमने मंदी आंच पे पका रहे हैं ना इसको बिल्कुल, क्योंकि इसका सारा जो गाइस इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल। गाइस राधे राधे, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज राधे भटनागर। सो आज मम्मी बना रही है पेन रिलीफ तेल, यानी जब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो कभी भी मेरा दर्द उठता है तो उससे मालिश करके मेरा पेन एकदम झट से दूर हो जाता है। तो आज हम रेसिपी देखेंगे कि कैसे बनाते हैं, और ये नानी के नुस्खे वाला तेल है। बनाने से पहले आपको ये फैक्ट बता दूँ कि लोहे की कढ़ाई में हम तेल क्यों बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन मिलता है, ये हमारे खून डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प वगैरह करता है, और हड्डियों के लिए मांसपेशियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आयरन। इसमें खाना भी बनता है, एंड जो इसमें खाना बनता है उसमें आयरन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हम तेल बना रहे हैं लोहे की कढ़ाई में। और आयरन बहुत चीज़ों की कमियाँ भी पूरी करता है। शरीर में दर्द होता है ना, जैसे घुटनों में, हाथों में, पैरों में, कमर में, उसके लिए तेल बना रही थी। एक डांस प्रैक्टिस करती है, इसकी बॉडी में शरीर में दर्द रहता है, तो इसलिए माते बना रही हूँ जिससे दर्द आराम पड़े। और बहुत अच्छा तेल बनता है, मेरी मम्मी ने सिखाया था कैसे तेल बनाना है, और इसके पापा के भी कमर में दर्द रहता है तो इसलिए बना रही हूँ। अभी देखो गाइस, ये तेल जा रहा है अब इस कढ़ाई में। कम से कम आधा किलो तेल बनाऊंगी ना, एक ही बार में सही रहता है ना आधा किलो। सरसों का तेल है ये? हाँ, सरसों का तेल फायदा होता है ना, और गोले का तेल ठंडा होता है। या तो तिल का तेल लो या सरसों का तेल लो, तो उस वो क्योंकि गर्म होता है तो ये ज्यादा फायदा देता है शरीर में लगाने के लिए ना, गर्माहट आती है। ये प्याज है गाइस, प्याज। हाँ, हम देखते हैं आज, हम देखते हैं कि आराध्य सही नाम लेती नहीं लेती इन चीजों का। हाँ। प्याज, तेल, दालचीनी, पता नहीं भाई, नहीं ये मेथी दाना, मेथी दाना, और ये है कड़ी पत्ता, ठीक है। ये हल्दी, क्या हल्दी, कैसी हल्दी? हल्दी वो वेजीज वाली हल्दी, अदरक कच्ची हल्दी जो भी कहते हैं, ये अजवाइन, और ये लहसुन। पर आराध्य ने इसका नाम गलत बताया, ये बताया क्या है? दालचीनी। पर आराध्य ने इसका नाम गलत बताया, किसका बताया था? मेथी दाना का। इसको ये देखो सारी चीजें, ये गरम है। मम्मी ये कड़ी पत्ता वगैरह डाल रही है, और गाइस किसने सिखाया ये? मम्मी ने मेरी। ये क्या है? अजवाइन। ये सारी डाल दूंगी, क्योंकि जितना डालूंगी उतना गर्म हो जाएगा, यानी छोटी प्लेट पूरी डालनी। दालचीनी हो गई, ये मेथी दाना हो गया, ये सफेद तिल हो गया, ये भी डाल दिया, ये लहसुन हो गया। झाग आ रहे हैं। हाँ, ये तो आएंगे झाग, को मंदी कर देते ना। मंदी आंच पे पकाना है। हाँ, नहीं मंदी आंच पे नहीं, मंदी कर दूंगी, ऊपर झाग आ रहा है ना, फिर सारा खिंच जाएगा। ये प्याज हो गई, अब इसको जब तक पकाएंगे हम, जब तक ये बिल्कुल काला नहीं हो जाता, जितना भी सामान है बिल्कुल जल नहीं जाता, तो इसको तब तक पकाते रहेंगे। थोड़ा सा अभी गर्म होने दो, फिर उसके बाद मंदी कर देंगे, अभी तेज गैस है, फिर मंदी कर देंगे। ये तेज है तो गैस, अभी तो हमारा सारा ऐसे कच्चा है ना सारा का सारा, अब इसको हम धीरे धीरे सारा पकाएंगे। और तेल को जितना मंदी आंच पे पकाएंगे ना, उतना इसका जितना भी असर है ना सामान का, जो 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 हमने डाला है सब तेल में मिक्स हो जाएगा। और ये तेल जब भी आप लगाओगे तो हल्का सा गर्म करके लगाओ, तो शरीर में आपको सर्दी में बहुत काम आएगा ये तेल, बहुत काम आएगा। आराध्या अभी तेल की ब्लॉग बना रही थी, और अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मेकअप कर रही है वीडियो बनाने के लिए अपनी डांस की। आओ टंटड़ांग टंटड़ांग टंटड़ांग, ये देखो अब वीडियो बनाएगी अपने डांस के लिए। फिर मैं फोटो स्टेट करने जाऊंगा, ये तो मुंह धो के फिर से अपना मेकअप करूंगी, फिर फोटो स्टेट करूंगी। गाइस मेरी वीडियो बन चुकी है, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना। एक तो है आ जावे माही, इस पे मैंने थंबनेल लगा रखा है 90s वाइब, और दूसरी आने वाली है गुलाब सॉन्ग पे। और ये कौन बैठे हैं साइड में? मेरी दादी, मेरी श्री प्यारी दादी, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ पता है, गुस्से में तो बोली क्यों दादी, आप क्यों, आपका चेहरा ऐसे क्यों, गुस्से में क्यों? बेस्ट फ्रेंड की तरह बोलती। हमारे तेल भी बन चुका है, जब देखो देखो ये रहा जलने के कगार पे है पूरा, ऑलमोस्ट हो गया। जितना जलेगा ना उतना सही बनेगा, क्योंकि हमने मंदी आंच पे पका रहे हैं ना इसको बिल्कुल, क्योंकि इसका सारा जो गाइस इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है।
मतलब जितना जलेगा उतना ही उसका उभर के आएगा, उसका असर दिखेगा। हाँ। यानी हमारी बॉडी जितना पेन करेगी उतना ही असर दिखेगा डांस। गाइस देखो ये तेल बन चुका है प्रॉपर अच्छे से, क्योंकि मंदी आज पे हमने खूब पकाया है, पूरा सामान जल चुका है, जो जो हमने इसमें डाली थी चीजें, जो सफेद तिल थे वो भी अच्छे से हो चुके हैं। और ये हम मुल्तानी मिट्टी दे दो, अभी देती हूँ। ये प्रॉपर सुबह हम सुबह तक रखेंगे इस तेल को। कब तक रखेंगे दिया? सुबह तक रखेंगे और ढक के रख देंगे, फिर ठंडा होने के बाद हम लगाएंगे, बोतल में भरेंगे। विनेगर की, ठंडा होने के बाद विनेगर की बोतल में, जरूरी नहीं है वो कोई सी भी बोतल में भर सकते हैं, विनेगर के साथ मिला के। देखो ये सब जला हुआ है, जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो सब है, ये वेस्टिंग है, वेस्ट है। और ये रहा तेल, देखो कलर कैसा था और कलर कैसा हो गया। अब मैं शीशे में भर रही, ये देखो दो शीशी बन जाएगी, ऊपर तक ले धारा जो देखो गाइस, पेन रिलीफ हुए, दर्द का तेल हमारे लिए पूरा प्रॉपर बन चुका है, ठंडा भी हो चुका है, शीशी में भी डाल दिया। गाइस बताना कि मैंने सही बनाया है तेल, सही चीजें डाली, क्योंकि सारी गर्म चीजें डालोगे तभी तो आपकी हड्डियों में जो दर्द है वो कम होगा। मत छेड़ो दिया उसे, ये देखो कूड़ा कबाड़ा छेड़ दिया उसका। बच्चों वाली हरकतें करती है आराध्या हमारी। देखो ये हमारा प्रॉपर बन चुका है। गाइस कंप्लीट हो चुका है तेल, बहुत ज्यादा अच्छा है ये, या गरम है बहुत ज्यादा भाई, हम ऐसे उबलते तेल में भी हाथ डालने वाले हैं। हाँ, फिर रोती सारे दिन है ना विधि। हाँ, विधि बताएगी, अब इतना ही तेल लगाती रहेगी, उसे मालिश कर अंदर तक पहुंचेगा। हाँ, इस आराध्य की तारीफ विधि करेगी, उसकी छोटी बहन विधि बताए इसके बारे में। भी नहीं है इसकी तारीफ है, विधि सुना इसकी तारीफ, सुना सुना दे कुछ, बताए इसके बारे में, अपनी बड़ी दीदी के बारे में, क्यों मारेगी बाद में पकड़ के, क्या करिए चीज बहुत गर्म हो रही हाँ, है। वो तो खुजाई जा रही ना उसे, इस वजह से नहीं। हाँ, आधा घंटा पता कैसे कंट्रोल किया मैंने इसे, कोई बात नहीं, अभी ज्यादा तेल मत लगा, इसी से मालिश कर। तो गाइस ये तेल मेरे हाथ में आ चुका है, ये मेरी मम्मी ने बनाया है, नानी का नुस्खा है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मतलब ट्राई करके देखना अपने घर में, और मेरी मम्मी की मेहनत के लिए लाइक करना जरूर और कमेंट करना कि आपका बना है। तो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आराध्या भटनागर। और मम्मी के लिए भी प्लीज लाइक करना, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है तेल में। और गाइस मम्मी की यूट्यूब आईडी है ये, तो अभी जाके फॉलो कीजिए। बाय।